वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल समर्स बुटीक में। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज क्लिक करिए कि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में स्लीव की कटिंग करना जानेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले बस्ट साइज लेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी साइज आएगा उस पर मार्क करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और 3 इंच हम यहां से लेंगे। और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे। लेंथ 14 इंच है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। और हमारे बॉटम का जो भी साइज है उसका हाफ लेंगे, तो यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं, 5 इंच। यहाँ से कर्व में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप देने के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसको हाफ पे मार्क करेंगे, ये 8 है तो 4 पे मार्क करेंगे। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले को भी 2 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे गोल शेप देने के लिए और 1/2 इंच यहाँ पर। अब आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पे मार्जिन का कपड़ा ऐड करेंगे 1 इंच तक। आर्म होल के लिए आगे के साइड में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे और ये आगे के शेप की मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो चुकी है, इसकी कटिंग करेंगे। पहले ये जो इधर वाला शेप है कम गहराई वाला, इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से स्लीव को सीधा कर लेंगे और थोड़ी सी गहराई और देंगे। तो स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।